तो ग्रीष्मकालीन मूंग की आवक धीरे धीरे मध्य प्रदेश की मंडियों में बढ़ना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले एक से दो सप्ताह में आवक का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इस साल देश में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई अच्छी होने के कारण फसल जोरदार बताई जा रही है। घरेलू मांग की पूर्ति के लिए देश में पर्याप्त सप्लाई है। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी का इंतजार है और पंजाब पहले ही मूंग खरीदी का ऐलान भी कर चुका है। वहीं प्रदेश में आगे मूंग का भविष्य मध्य प्रदेश सरकार की खरीदी पर निर्भर करेगा। कुछ व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल अच्छे दाम होने से मूंग में मुनाफा वसूली की बिकवाली बढ़ सकती है। बीते सीजन में फलियों पर बारिश के कारण मूंग की क्वालिटी खराब हुई थी, अच्छी मांग कम थी। वहीं इंदौर में पुराने मूंग की आवक धीरे धीरे सिमट रही है, लेकिन नए माल की आवक धीरे धीरे बढ़ भी रही है। तो यानी कि मूंग की जो सप्लाई है पूरे देश में, ओवरऑल इंडिया में ठीक ठाक रह सकती है डिमांड के मुकाबले, और आगे जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में मूंग की आवक बढ़ रही है तो जो मांग है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है, ऐसी अभी खबरें निकल के सामने आ रही है। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।